नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रियलमी कंपनी ने अपने पहले 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर वाले स्मार्टफोन रियलमी XT को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन है। और इस मोबाइल के अंदर आपको कैमरा के साथ साथ दूसरे फीचर्स भी बहुत ही बढ़िया और अच्छे देखने को मिलेंगे, और यह एक बढ़िया और अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों, अब इसी मोबाइल को क्रिटिकल देने के लिए सैमसंग कंपनी अपने एक और नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A50s को लेकर आ गई है, जो कि बढ़िया और अच्छा स्मार्टफोन है। और मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल की कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में ये दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च से पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, कौन सा मोबाइल आपके लिए बढ़िया रहेगा, किस मोबाइल के अंदर आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलेंगे, और इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत के अंदर कितना डिफरेंस होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट स्मार्टफोन की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इनके फ्रंट पैनल और इनकी डिस्प्ले की बात की जाए तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपोनेंट 6.40 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड इन्फिनिट यू शेप वाली नॉच डिस्प्ले दी है, जो की 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। वहीं अगर दोस्तों रियलमी XT मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड ड्यूड ड्रॉप नोच डिस्प्ले दी है, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 है, और इसकी कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्ट की गई है। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक जैसी एक ही क्वालिटी की और एक ही साइज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, इनकी डिस्प्ले के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान देने मोबाइलों के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल को कंपनी ने मार्केट में 6 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी XT मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल को कंपनी ने मार्केट में 4 GB, 6 GB और 8 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको रियलमी XT मोबाइल के अंदर 3 वेरियंट मिल जाते हैं, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल के अंदर सिर्फ एक ही वेरियंट दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों, कैमरा के मामले में वैसे तो दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया और अच्छे स्मार्टफोन है, इनके अंदर आपको अच्छा और बढ़िया कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों रियलमी XT मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, रियर कैमरा के मामले में रियलमी XT मोबाइल आगे है, इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, फ्रंट कैमरा के मामले में सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल आगे है, इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप बढ़िया और अच्छी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और सेल्फी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दोनों ही स्मार्टफोन कैमरा के मामले में बहुत ही बढ़िया है, इनके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ सैमसंग के ही एक्सिनोस 9611 का चिपसेट दिया है, जो कि बढ़िया और पावरफुल चिपसेट है, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है। वही अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी XT मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट दिया है, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एड्रीनो 616 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया हैं, इनके अंदर आपको बढ़िया और अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, जिससे आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस बढ़िया और अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 15 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है। और अगर दोस्तों बात की जाए रियलमी X मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने वो फ्लैश चार्जिंग 3.0 सपोर्ट वाली 4000 mAh की पावरफुल बैटरी दी है, और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, बैटरी के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है, इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों इन डिस्प्ले
डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा। दोस्तों यदि आप इनमें से किसी एक मोबाइल को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे नजर में आपको सैमसंग गैलेक्सी A50s मोबाइल खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों रियलमी X2 मोबाइल के अंदर भी आपको बढ़िया और अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा मोबाइल पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।